म्यांमार के रोनहाट के एक गरीब व्यक्ति एक पुलिस कर्मचारी की डीसी नाहन से की शिकायत। अपनी शिकायत में उसने पुलिस के कर्मचारी के ऊपर लगाए मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप। व्यक्ति पीड़ित का क्या कहना है, आप भी सुनिए गरीब का दुखड़ा। एनस्टार न्यूज के लिए सिरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट। और मेरे साथ जो अनिल गुलजार जो कैन रोनहाट, वो मेरे को इस साल से परेशान कर रहा है, मेरी मारपीट भी कर रहा है, मेरे को डराता धमकाता भी है। और हुक्मी राम और चांदन सिंह जो भतीजे, वो मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पना चाहते हैं। और अनिल जो उनके पक्ष में बिना डॉक्यूमेंट से, बिना फर्ज से, बिना निशानदेही से जो है, वो मेरे ऊपर जो है दबाव डाल के मेरी खेतों में मारपीट करते हैं, जिस वजह से मुझे जो है घर से भागना पड़ा। एक जोड़ी बैल भूखे प्यासे मर रही घर में, और कुछ पैदल कुछ गाड़ी में जो बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन में नहान पहुंचा। नहान से मैं जो मुख्यमंत्री के पास शिमला सरहा में गया, वहाँ डीजीपी साहब से मिला, और उन्होंने एसपी साहब ने मुझे 100 रुपये किराए के लिए जो नहान के लिए दिया। मेरे पास खर्चा पर्चा कुछ था नहीं, और अब मैं डी साहब से जो खर्चे पर्चे के लिए घर के लिए भी जो है पैसे मांग रहा हूँ कि मेरे पास किराए के लिए खर्चा नहीं है। घर में जो डर के मारे, उसके डर के मारे मैं रह नहीं सकता, घर से मुझे बेघर कर रहे हैं, और ज़मीन मेरी बीच बिकवाना चाह रहा है, और मुझे जीना हराम हो गया। मैं अकेला आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, असहाय हूँ, और मैं या तो मुझे इंसाफ दिला दो या मुझे जहर दे दो। इन पुलिस के डर के मारे पहले मेरे ऊपर जो कलेंद्रे बनाए, झूठे कलेंद्रे, जो 13 साल तक जो कोर्ट से मैं बरी हो चुका हूँ, पुलिस ने नाजाद मेरे को जो है ब्लेम, झूठा ब्लेम किया, झूठे केस बनाए सर मेरे ऊपर, कोर्ट से बरी हो चुका हूँ, और मेरे ऊपर केस पे केस बनाते जा रहे हैं। अनिल पुलिस वाला ये बोलता कि तेरे को छोड़ना नहीं है, तो झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है, गुंड आदमी है, बदमाश है, लोगों को परेशान में। हाँ जो, और जो पंचायत से जो मैं जो एक बीपीएल की सूची हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे पंचायत से भी 1 रुपये का सर